झारखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रघुवर सरकार लगातार काम कर रही है। इसी के तहत लातेहार में कर्नाटक से 3 हाथियों को लाया गया। इससे पर्यटक फिर से हाथी की सवारी कर सकेंगे। यह है लातेहार का बेतला नेशनल पार्क, जो 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इस पार्क में पहले हाथी की सवारी पर्यटक किया करते थे, लेकिन पिछले साल अनारकली नाम के हाथी की मौत के बाद इसे बंद कर दिया गया। लेकिन अब इस पर्यटन स्थल का स्वरूप बदल रहा है। पर्यटकों की सुविधा बढ़ाने के लिए कर्नाटक से 3 हाथी लाए गए हैं, जिससे अब पर्यटक हाथी की सवारी कर पाएंगे। पर 2 अन्य मिल जाएंगे तो पर्यटकों में ये संदेश जाएगा कि भाई वहाँ हाथी की सवारी होती है, तो उनको ये जो है सुविधा मिलेगी। लौट बहुत सा है कि इंतजार करना पड़ता है पर्यटकों को। अभी हाथी जो है सो एक रहने के चलते उन सबको भरपूर नहीं मिल पाता है, तो सवारी में सुविधा हो। कर्नाटक से हाथी आयल था तो अपने भाषा ने पहले जान रहा था कर्नाटक भाषा, कर्नाटक भाषा छोड़ के हिंदी भाषा हम लोग ले आए हैं। अब हाथी की सवारी का मौका मिलेगा तो इस बात से पर्यटक भी खास से खुश हैं। लगभग 6 महीना बीत चुका और 6 महीना में यहाँ का महावत चरकट्टा का बात नहीं समझ पाता था, यानी उसका जो कर्नाटक का जो बोली भाषा था का ही समझता था, लेकिन वह धीरे धीरे हमारे जो महावत यहाँ के महावत और चरकट्टा रहे उनका परिश्रम से वो उन लोग का बात या यहाँ का बात वो समझने लगे हैं। यही नहीं, आगे और हाथियों का प्रशिक्षण पूरा कर 5 और हाथियों को लाया जाना है। सरकार का पूरा ध्यान है कि राज्य पर्यटन को बढ़ावा मिले और इसी के तहत सरकार नए कदम उठा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।